एक चाय की कप की वजह से चीन किस तरह सदियों तरक्की की राह से दूर रहा, आइए आपको बताता हूँ। चाइनीज लोग सदियों से चाय के बड़े शौकीन हैं और चाय पीने के लिए उन्होंने बड़े खूबसूरत सिरेमिक कप्स इजाद किए जो आम आज हमारे घरों में शोकेस में मौजूद होते हैं, जिनको हम चाइना से निस्बत देके चाइना वेयर कहते हैं। लेकिन सदियों चाय पीने के बावजूद चीनी लोग उस तरह नहीं जाग सके जिस तरह यूरोपियंस वाइन पी के जाग गए। अब चूंकि यूरोप में वाइन बड़ी पसंद की जाती है, बहुत शौक से पी जाती है और वाइन देखने में बड़ी दिलकश और पुरकशिश लगती है, तो वाइन पीने के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए यूरोपियंस ने ग्लास इजाद किया। लेकिन जब ग्लास इजाद हुआ तो उसके साथ लेंस इजाद हो गया। जब लेंस इजाद हुआ और वो दूरबीन पे लगा तो दुश्मन दूर से नजर आने लगा और दुश्मन पे एडवांटेज मिलने लगा, जिसकी वजह से जंगे जीतने लगे, जिसकी वजह से सल्तनत बढ़ी, मजीद दौलत आई और वो दौलत साइंस और टेक्नोलॉजी पे लगी। जब वही लेंस गैलीलियो ने टेलीस्कोप में लगाया तो इंसान फलकियात में चला गया, कहकशाओं में चला गया। और लेकिन जब वही लेंस खास तौर पे चश्मों पे लगा तो यूरोप का हर साइंसदान, हर मैथमेटिशियन, हर डॉक्टर, हर फिजिशियन, हर फिलोसोफर की रीडेबिलिटी में 15 से 20 साल ऐड हो गए, यानी कि उसको मजीद 15-20 साल का एडवांटेज मिल गया टू गेन मोर नॉलेज एंड इम्पार्ट मोर नॉलेज। और बाद में चल के यही ग्लास बायोमेडिकल की दुनिया में आके माइक्रोस्कोपिक लेंस में लगा और फिर साथ ही साथ केमिस्ट्री की दुनिया में आके बीकर और फ्लास्क की सूरत में गया, क्योंकि ग्लास रिएक्ट नहीं करता। और यूरोप तरक्की करता 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 चला गया, लेकिन चाइना में 19वीं सदी तक ग्लास मौजूद नहीं था। अब आप सोचेंगे वो अपनी खिड़कियां किस चीज की बनाते थे? आपने फिल्मों में देखा होगा कि वो या तो कागज की बनाते थे जिससे आग लग जाती थी, या फिर वो बिल्कुल नहीं बनाते थे और ज्यादा टाइम उनका अंधेरे में गुजरता था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो ग्लास की वजह से यूरोप तरक्की की राहों में आगे से आगे निकलता रहा, ग्लोबल एम्पायर बनाई, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा के दुनिया भर में कब्जा किया, लेकिन चाइना एक चाय के कप की वजह से थोड़ा सा पीछे रह गया।